घाटमपुर कोतवाली के भदरस में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के एक युवक का शव खेतों में पड़ा हुआ मिला। मामले की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि पप्पू वाजपेयी घाटमपुर कोतवाली के भदरस गांव का रहने वाला किसान है। बीती देर रात युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। सुबह खेतों में जाते समय जब ग्रामीणों ने युवक का शव पड़ा हुआ देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास पड़ा हुआ एक गोली का खोखा भी बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार पप्पू रात में जुआ खेलने के लिए गया हुआ था। वहीं किसी आपसी विवाद में चलते अज्ञात हमलावर घटना को अंजाम देने के दौरान फरार हो गए। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के चलते पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये क्या नाम है आपका? गोरे वाजपेयी। भैया, ये जो पप्पू वाजपेयी की गोली मारकर हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? अरे वहाँ जंगल में जुआ हो रहा था, किसी अज्ञात आदमी ने पता नहीं किसने गोली मार दी। कितने बजे की घटना है ये? वही करीब 8:30 से 9 के बीच की घटना है। आप कैसे मालूम चला गांव में कि उनको गोली पड़ गई? सुबह मालूम हुआ है, रात में नहीं पता चला। जब आप लोग गए तो मृतक पाए? हाँ, मृतक पाए गए। थाना घाटमपुर के ग्राम भदरस में आज रात में एक 45 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कुछ गाँव वालों द्वारा थाना घाटमपुर के एक सब इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया जा रहा है। हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं और जो सही तथ्य मिलेगा उसके अनुसार हम कड़ी विधि कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभी पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आना शेष है। तहरीर मिलने पर भी जो भी उसमें आरोप रहेगा उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तदनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे।